मैं जब भी आगरा जाता हूँ, ताजमहल कल्पना से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पर आपको चाट की सारी वैरायटी के ठेले नहीं, शोरूम भी मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं ताजमहल के सामने, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत। ताजमहल के अंदर फोटोग्राफी विद माइक अलाउड नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना आपको दिखा सके ताजमहल के अंदर। हमने गाइड भी हायर किया हुआ है जिससे हम थोड़ा बहुत ताजमहल के बारे में अपनी नज़रों से आपको बता सकें। वैसे एक बार फिर कहूँगा, ताजमहल इतना खूबसूरत है उसके बारे में कुछ भी कहना हमारी बेवकूफ़ी होगी। चलिए शुरू करते हैं। हमने ताजमहल में एंटर किया ईस्टर्न गेट से। ताजमहल कॉम्प्लेक्स में एंटर करने के लिए 3 गेट हैं, ईस्टर्न गेट, वेस्टर्न गेट और मेन गेट। इसके बाद शाही दरवाजा है जिससे आप वाइट ताजमहल के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर एक कॉरिडोर बना हुआ है जिसमें ताजमहल में साल दर साल क्या चेंजेस आए उसकी पिक्चरें लगी हुई हैं। जो हमारी समझ में आया कि 80s के बाद ताजमहल के आसपास जो बड़े बड़े पेड़ थे उनको काटकर छोटा बना दिया गया और खूबसूरत बना दिया गया जिससे ताजमहल को दूर से देखा जा सके। ये दोनों तरफ जो बना है मुसाफिर खाना, उस समय ताजमहल बना था तो यहाँ पे होटल गेस्ट हाउस नहीं थे, तो उन लोगों के लिए ये मुसाफिर खाने बनाए गए थे, रहने रुकने की जगह। ओके, ठीक है। और ताजमहल के 4 दरवाजे हैं, हम जिस गेट से तरफ से जा रहे हैं वो ताजमहल का ईस्टर्न गेट है, इसके ठीक सामने एक और एंट्रेंस गेट है वो वेस्ट एंट्रेंस गेट है, इसके नॉर्थ साइड में जो बना है वो मेन एंट्रेंस गेट है, शाही दरवाजा रॉयल एंट्रेंस गेट। गाइड ने हमको बताया कि ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल लगे। फाउंडेशन को 6 मंथ लगा, ताजमहल को 22 साल लगा, 17 साल वाइट वाली बिल्डिंग पे लगा जो वाइट बिल्डिंग है, 5 ईयर्स रेड और वाइट जो भी बना उसमें लगा, तो टोटल टाइम लगा 22 ईयर्स। इसीलिए उन लोगों ने उस समय एक कैलकुलेशन करके 22 ईयर्स के लिए इस गेट के ऊपर छोटे वाले गुम्बद बना दिए, वो जो सामने नज़र आ रहे हैं वाइट वाले जो गुम्बद है, 11 इस तरफ बने हैं, 11 दूसरी तरफ, क्योंकि 22 ईयर्स लगा। 20,000 वर्कर्स ने यहाँ पे काम किया। अच्छा। मटेरियल जो था कुछ इंडिया का, कुछ इंडिया से बाहर का। मकराना जो है वो संगमरमर इंडिया का है, राजस्थान मकराना से। रेड सैंड स्टोन भरतपुर से, वर्कर्स राजस्थान से, कुछ पर्शिया से, कुछ टर्की से, कुछ इराक से, कुछ स्टोन प्रेसिस सेमी प्रेसिस जो यहाँ पे लाके डेकोरेट किए, जो यहाँ से देखने में आपको फ्लावर्स में लीफ्स में नजर आ रहे हैं कलरफुल। ये जो सामने आपके दरवाजा है, इस दरवाजे की खासियत खूबी ये है कि इस पे जो भी कुछ लिखा है बना है ये सारे जेम्स पत्थर से बना है और ये आर्ट ऑफ कैलीग्राफी है, वर्सेस ऑफ कुरान अरबिक लैंग्वेज में लिखा है, काले पत्थर से वाइट मार्बल के अंदर इनलेट किया। दूसरी खास बात, इसमें जो छोटे छोटी आर्चेस बनी है, यहाँ पे लोग पहले बैठते थे और लोग जब बैठते थे तो यहाँ से बैठ के लोगों का वेलकम किया जाता था। वेलकम किस तरीके से करते थे कि फ्लावर जो होते थे, फ्लावर डालते थे लोगों पर, रोज़ वाटर डालते थे और जो साइड में छोटी छोटी आर्चेस बनी है यहाँ पे बैठ के लोग ड्रम और म्यूज़िक बजाते थे, क्योंकि ये बिल्डिंग जो बना है एक महल के माफिक है तो मुजलिम अंदर मकबरा है, कब्र बनी है, बट बाहर से उसको डेकोरेट किया एक महल के माफिक, इस पर्पज से इस गेट को यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया। हमको बताया गया कि शाही दरवाजा के ठीक सामने हमको सीधे एक रेखा में चलना होगा ताजमहल को देखने के लिए। इससे ताजमहल धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। हमारा कैमरा शायद आपको ना दिखा पाए, फिर भी कोशिश करते हैं। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये ताजमहल है, इसकी पूरा नाम है मुमताज महल। जब मुगल टाइम में ये बिल्डिंग बना था तो इसे कहते थे मुमताज महल, वैन अंग्रेज लोग यहाँ पर आ गए 18 सेंचुरी में
वो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलते थे, उसको शॉर्ट कर दिया उन्होंने, उन्होंने बोल दिया इसको क्राउन पैलेस। यह तो सबको मालूम है कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, और शाहजहां और मुमताज दोनों की कब्र इस ताजमहल के नीचे है। शाहजहां की तीन वाइफ थी, फर्स्ट बेगम का नाम था फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ थी अकबरी बेगम, थर्ड वाइफ थी अंजुमन बानो। मुमताज का डेथ पहले हो गया 1631 बुरहानपुर जून में, बुरहानपुर एमपी में, एमपी में यस, यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर। तो उनकी डेड बॉडी को कुछ समय के लिए, क्योंकि इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो वहाँ से लाने के लिए तो उनको वहाँ रख दिया गया था ममी बना के एक कॉफिन के अंदर। यस, कुछ समय रहा वहाँ पर, आफ्टर दैट उनको पानी के रास्ते वहाँ से यहाँ लाया गया, जिसको लाने में 6 महीने का समय लगा, 6 महीने। मरने के 6 महीने बाद उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया, क्योंकि 6 महीने तक इस बिल्डिंग का फाउंडेशन का काम चलता रहा, क्योंकि शाहजहां को एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी उनकी याद में जो एक जन्नत के माफिक हो। इसीलिए शाहजहां ने ये बिल्डिंग उनकी याद में यहाँ पे बनाना शुरू, क्योंकि ये जो जगह है आगरा सिटी उनका कैपिटल था। अभी को ऐसा नज़र आता है कि ताजमहल खाली वाइट पत्थर से बना है, एक्चुअली में पूरा वाइट पत्थर नहीं लगा इसमें, पत्थर तो बाद में लगाया है, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है छोटा वाला ब्रिक, लाल मिट्टी और चूना, उससे बिल्डिंग को पूरा बनाया है। बिल्डिंग जो बनाया है वो एक ताज के शेप में बना है, इसीलिए इसको कहते हैं ताज, और अंदर है मुजलिम, और बाहर से देखो तो है एक महल, इसीलिए पूरा होता है मुमताज महल। आफ्टर डेट जब शाहजहां ने देखा, लोगों ने इतना मेहनत करके इतना खूबसूरती से इस बिल्डिंग को बनाया, क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ बनाया जाए जिन्होंने इतने सालों से काम किया, 17 साल हमारे लिए काम किया, तो उनके लिए मॉस्क, तो मॉस्क बना पहले, क्योंकि वो लोग काम करते थे, नमाज पढ़ते थे, इसके लिए उनके लिए मॉस्क बनाया गया। जैसे ही मॉस्क बना तो आर्किटेक्चर ने बोला ये अनबैलेंस हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, ही वॉन्ट सिमेट्री अगेन, तो वो एक और बिल्डिंग बनाने शुरू किया राइट एंड साइड, लेफ्ट मस्जिद और राइट उसका रेप्लिका, जिस रेप्लिका को नाम दिया रॉयल गेस्ट हाउस। दूसरी खास बात यह है कि बिल्डिंग अराउंड 4 साइड एक जैसा है, विच इज अभी जो आपको यहाँ से नजर आता है एग्जैक्ट सेम, इसकी लेफ्ट राइट बिहाइंड ऑल द 4 साइड आइडेंटिटी। इसके पीछे यमुना नदी है, जमुना नदी की वजह से, पानी की वजह से आर्किटेक्चर जो थे इस बिल्डिंग के, जिनका नाम था मोहम्मद इशाक अफंदी, उन्होंने इस बिल्डिंग का डीप फाउंडेशन बनाया 81 मीटर यमुना नदी के वाटर लेवल से भी नीचे, तो वहाँ पे वाटर वेल्स बने हैं, उसके नीचे लकड़ी लगा है, लकड़ी के पिलर अंदर वेल्स के लगे हैं, लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर पूरा बिल्डिंग बनाना शुरू किया रॉयल गेस्ट हाउस। तो शाहजहां ने स्पेशली बोला कि उनके जो गेस्ट हैं अगर वो ताजमहल कभी आते हैं देखने के लिए तो उनके बैठने की जगह बनाई जाए। जो बिल्डिंग बना है वो बॉटम टू टॉप स्ट्रेट है, बट जो मीनार बना है वो स्लाइटली लीनिंग है 2.5 डिग्री आउटसाइड आउटवर्ड। यस, चारों पिलर एक जैसे हैं और एक जैसे टिल्टेड हो रहे हैं अपनी अपनी साइड में। रीज़न ये है कि कभी भी यहाँ पे कोई भी हैपनिंग क्रिएट होता है, तूफान अर्थक्वेक कुछ भी आता है, बिल्डिंग अगर मूव करता है तो ये पिलर ताजमहल के ऊपर जाके ना गिरे, उसके लिए उन्होंने सारे पिलर को टेढ़ा बनाया था। डेट इज़ अ रीज़न, बस यही एक रीज़न था जिसकी वजह से उनको टिल्टेड बनाया गया, ब्यूटी और बैलेंस के लिए। अगर पिलर नहीं होते तो बिल्डिंग बहुत छोटा नज़र आता, ह्यूज नज़र नहीं आता, तो ह्यूज रखने के लिए ये चारों कॉर्नर से 4 पिलर बने। ताजमहल के अंदर दोनों का रियल मज़ार, कब्र, मुजलिम, मकबरा जो है वो नीचे है, और अंदर में जो लोग देखने जाते हैं अभी वो रेप्लिका। जहाँ सेंट्रल शाही प्लेटफॉर्म है जो शाही लोगों के लिए बैठने की जगह होता था, यहीं से बैठकर के लोग ताजमहल का आनंद उठाते थे और यहीं से बैठ के देखते थे। ये यहाँ पर 4 व्हाइट बेंचेस पड़ी हैं, चारों में से जो जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा बैठते हैं आगे वाली बेंच, वो सेंटर बेंच है जहाँ से बैठ के ताजमहल को पानी का रिफ्लेक्शन के साथ देखा जा सकता है। इसीलिए सारे फाउंटेन यहाँ पे बनाए गए हैं। फाउंटेन बनाने का जो रीज़न है वो यही है कि पानी के अंदर ताजमहल नज़र आए,
तो वहाँ पे एक हौज बना हुआ है बीच में, जिसमें पानी का ताजमहल का रिफ्लेक्शन बैठ के नज़र आता है। तो रात के समय जब ताजमहल खुलता है फुल मून में, तो वहाँ पे लोग आके बैठ देखते हैं ताजमहल को। वाहिद बिरयानी लखनऊ का फेमस बिरयानी हाउस है। आगरा में ताजमहल देखने के बाद जब आप साउथ गेट से बाहर निकलते हैं तो ताज नगरी में वॉकिंग डिस्टेंस पर ही वाहिद बिरयानी है। आगरा में इसकी ब्रांच कुछ ही महीने पहले खुली है। वेरी सॉफ्ट, मैंने इतना बढ़िया कबाब कभी नहीं खाया। खाओ चाट गली जाने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी से सदर बाजार के चौराहे तक जाना होगा। यहां से मुश्किल से 100 से 150 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आगरा की फेमस खाओ चाट गली है। इस सदर बाजार को दिल्ली की सदर बाजार से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। लो जी, हम पहुंच गए खाओ चाट गली के मोड़ पर। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, मंगलवार को यह चाट गली बंद रहती है। इस गली का माहौल ही कुछ और है। यहां पर आपको बच्चे, बूढ़े और जवान सब दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको चाट की सारी वैरायटी के ठेले नहीं, शोरूम भी मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ पर आएंगे और बिना कुछ खाए चले जाएंगे। यहाँ पर सभी चाट लगभग 50 रुपए प्लेट के आसपास है। चाट में वेज की सारी वैरायटियाँ हैं, नॉन वेज की थोड़ी सी कमी है। नॉन वेज स्ट्रीट फूड के लिए हम आगे चलेंगे।
हमने भी चाट की दो तीन वैरायटियां टेस्ट की और उसके बाद हम चल दिए नॉनवेज के ठिकाने पर। नॉनवेज स्ट्रीट फूड यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, आप वॉक करते हुए वहां तक जा सकते हैं। किसी से भी मामा चिकन या मामा फ्रेंकी हाउस पूछ लीजिएगा। आप खड़े होकर के भी खा सकते हैं, नहीं तो पास में ही इनका रेस्टोरेंट है जहां पर आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। पेट तो पहले ही भर चुका था, फिर भी हमने रुमाली रोटी के साथ चिकन टिक्का मसाला लिया और बच्चों के लिए पनीर बटर मसाला। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां के रेट थोड़ा हाई है और क्वांटिटी थोड़ी कम, पर माहौल बहुत अच्छा है, पूरा पार्टी वाला। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।